पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे लगातार मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। पिछले दिनों जब बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, उस वक्त भी मीडिया की सुर्खियां बन गए। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी एमएलसी सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, इस बार वजह कुछ और है। आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे लगातार पार्टी के खिलाफ बोलने की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, जिस कारण से पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया और सो कॉज जारी कर दिया गया। टुन्ना जी पांडे खुलकर अब पार्टी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव से टुन्ना जी पांडे की मुलाकात हुई और टुन्ना जी पांडे तेजस्वी यादव को भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट किए थे, जिसके बाद से फिर से टुन्ना जी पांडे सुर्खियों में बन गए। जी हाँ, और लगातार उनका जो तस्वीर है वो वायरल होने लगा। तेजस्वी के साथ जो उनकी तस्वीर थी वो वायरल होने लगी और खूब बवाल भी खड़ा हुआ। आपको बता दें कि तेजस्वी को जो तस्वीर टुन्ना जी पांडे ने भेंट की थी, उन तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ किया गया। बताते चले कि उन तस्वीर पर भगवान परशुराम की जगह किसी लड़की की तस्वीर लगा दी गई और भगवान परशुराम का घोर अपमान किया गया, जिसके बाद टुन्ना जी पांडे का गुस्सा फूट पड़ा और टुन्ना जी पांडे ने सोशल मीडिया पर किए गए भगवान परशुराम के अपमान के खिलाफ थाने पहुंच गए और अज्ञात के खिलाफ उन्होंने आवेदन दे दिया है। आवेदन की कॉपी सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने साझा किया है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कुछ इस बारे में लिखा है वो बताएंगे और आवेदन की कॉपी में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको पढ़कर बताएंगे। तो ट्वीट करते हुए टुन्ना जी पांडे ने लिखा है, आज मैंने थाना में आवेदन दिया। आज शनिवार के कारण कोर्ट की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाया, उसके लिए वकील से बात करके सोमवार को याचिका दायर करूँगा। पूजनीय भगवान परशुराम जी का अपमान किया गया सोशल मीडिया पर। जिन लोगों ने फोटो के साथ छेड़छाड़ किया है उन लोगों को सलाखों के पीछे डालकर रहूंगा, टुन्ना जी पांडे का ये कहना है। और आवेदन की कॉपी में क्या कुछ लिखा है उन्होंने वो पढ़कर बताते हैं। टुन्ना जी पांडे ने लिखा है, निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा मुलाकात करने के लिए दिनांक 29/7/2021 को अपने आवास, जी हां, पटना स्थित आवास पर बुलाया गया। उक्त दिनांक को मेरी उनसे शिष्टाचार मुलाकात हुई। लगभग 45 मिनट तक यह मुलाकात चली। इस दौरान उनसे कई मुद्दे पर बातचीत हुई। मेरे द्वारा अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की तैल चित्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को सप्रेम भेंट किया गया और भगवान श्री परशुराम जी का तैल चित्र नेता प्रतिपक्ष द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया, जिसकी तस्वीर आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ। उक्त कार्यक्रम को हमने सोशल मीडिया पर डाल रखा था, जो कुछ असामाजिक तत्वों को रास नहीं आया और मेरे द्वारा मेरे आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी के तैल चित्र को हटाकर किसी महिला या लड़की की चित्र लगा फेसबुक पर पोस्ट किया जा रहा है, जो कि मेरे एवं ब्राह्मणों के साथ साथ भगवान विष्णु के छठे अवतार हम सब के आराध्य भगवान श्री परशुराम का घोर अपमान किया जा रहा है। इस कुकर्म से लाखों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। आगे लिखा है इन्होंने, टुन्ना जी पांडे ने, ईश्वर ना करे कि उपरोक्त आक्रोश में सामाजिक तनाव ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण एवं भूमिहार वर्ग अपने आराध्य देव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतर श्रीमान से निवेदन है कि जिन जिन लोगों के द्वारा यह पोस्ट किया जा रहा है उनके विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर दंडित करने की कृपा की जाए, टुन्ना जी पांडे। जी हां, तो टुन्ना जी पांडे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने भगवान परशुराम का अपमान किया है उन लोगों के खिलाफ टुन्ना जी पांडे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।